अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम। मिस्टर शर्मा को आप फ़ोन कीजिए और उनकी एग्जैक्ट लोन रिक्वायरमेंट क्या है वो पता लगवाइए, क्योंकि आज उनके सैंक्शन पेपर्स तैयार कर रहे हैं। जीतू भाई, लोन अकाउंट नंबर 1127 की फाइल ज़रा निकाल के दीजिए प्लीज़। शिवानी, वो तुम्हारी चीजें। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी रोहित। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे कोई असिस्टेंट या प्यून के हाथ भेज दूं, लेकिन कोई भी नहीं था। आओ ना। चाय लाना, एक में चीनी कम और इलायची। मैडम ये होती है चाय, इलायची के बिना कोई चाय क्या चाय होती है? I'm sorry, मैं आज तुम्हारी चीजें लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं। गायत्री कैसी? अच्छी है। वहीं पे काम करती? मेरा मतलब है पुराने ऑफिस में। नहीं, अब उसका ट्रांसफर हो गया है फाउंटेन साइड। पहले जितनी चुस्त है? हाँ, अभी तो कुछ ज्यादा। इलायची में? हाँ। थैंक यू। उसे तो पहले से ही नौकरी करना बहुत पसंद है। हमेशा कहती थी दिमाग घरेलू बातों में नहीं लगेगा, चार लोगों से मुलाकात होगी, दिमाग को जंग नहीं लगेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा और डैडी या भाई की मोहताजी नहीं रहेगी। वो तो अब भी मुझसे पैसे नहीं लेती। लेकिन शिवानी, तुम तो कभी नौकरी करना नहीं चाहती थी, तुमने कैसे कर लिया? एक तो दिमाग घरेलू बातों में नहीं लगेगा, चार लोगों से मुलाकात होगी, दिमाग को जंग नहीं लगेगा और पति की मोहताजी नहीं रहेगी। अविनाश को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे नौकरी करने से? सच पूछो तो मुझे घर से बाहर निकालने वाला अविनाश ही है। उसे औरत का घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। उसका कहना है इतने सारे नौकर हैं, तुम क्यों काम करो, बाहर जाओ। इंसान को रोज नए नए कपड़े पहनने चाहिए, सज धज के रहना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। आपको माथुर साहब ने बुलाया। अब ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तुम कल किसी को भेज देना, मैं तुम्हारी चीजें लौटा दूंगी। ओह, ओके, बाय। तू अब आ रही है? सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, क्या करने का? आज भी सुबह से मेरे आदमी के साथ झगड़ा हुआ। तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो रहे? झगड़ने का नहीं तो क्या, आरती उतारने का? सुबह वो केले वाली को पान खिला रहा था। अरे तो क्या हुआ, एक पान खिलाया तो? क्या हुआ, आज वो पान खाएगी, कल मेरे आदमी को निकल जाएगी ना वो चुड़ैल। और इसको भी इतना पान खिलाने का शौक था, तो मैं क्या मर गई थी? मेरा मुंह नहीं है, मेरे दांत नहीं है। आज दोनों को रंगे हाथ पकड़ा मैंने। फिर क्या, सारे मोहल्ले वाले के सामने तमाशा खड़ा किया मैंने, तो गाली देने लगा, चप्पल उठाई और दे दनाजन कहाँ लगा रे? हाथ पर, सिर पर, पीठ पर। दिखा? मुझे नहीं, मेरे मर्द को लगा। चप्पल तो मैंने उठाई थी ना, सामने के दो दांत ही तोड़ दिए। अब देखती हूँ कैसे चबाता है पान, साला। तूने उसे सबके सामने मारा? आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? हाँ,
आप तो अंग्रेजी में गाली देती हो। चीची मेरा रोहित वैसा नहीं है, वो केले वाले के पास जाता, केले खरीदता और वापस आता, उसे पान नहीं खिलाता। इन मर्दों का कुछ नहीं कह सकते, ऐसा चिपचिप के पान खिलाते हैं कि मुंह लाल होने के बाद ही पता चलता है। हाँ चल अब छोड़ना, अब झगड़ना नहीं है तो वो तुझे छोड़कर चला जाएगा। छोड़ेगा वो मेरे को, मेरा माल? हाँ? फिर उसको दारू का पैसे कौन देगा? हाँ? जितना भी मारो वापिस घर आता है चुपचाप मेरे पास। भाई मुझे जरा हल्दी और तेल देना। लेके जाना, क्यों चाहिए रे? वो मेरे चप्पल का कील निकल गया था। उसे लगाएगी? नहीं जी, वो कील लगा होगा मेरे आदमी को, जख्म भरने के लिए तेल और हल्दी चाहिए। हे भगवान, तुम लोग भी अजीब हो। शिवानी, शिवानी, चले चले, इसके साथ टाइम कम दिखे कि बच्चे। I'm sorry यार, टायर पंचर हो गया यार। कल भी टायर थे, आज भी टायर पंचर। ये लो अविनाश, तब तक तुम ये खा लो। अरे इतनी क्या जल्दी थी, आ जाने दो ना उन दोनों को। अरे उन्हें आने में पता नहीं और कितनी देर लग जाएगी, आजकल ट्रैफिक जैम इतना होता है और फिर रास्ते भी इतने खराब है। और फिर तुम तो हॉस्पिटल से सीधे आए हो, खा लो ना। सही बात है, तो खा ही लेते हैं। तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मैं डाइटिंग पर हूँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया, अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई डाइटिंग करने की? इतनी मोटी हो गई हूँ ना। तुम पतली थी कब, मोटी तो तुम पहले से ही थी। डाइटिंग वो लोग करते हैं जो पहले पतले होते हैं और बाद में मोटे हो जाते हैं। सो तो है, मैं खाऊं? खाओ। मेरे हस्बैंड को मत बोलना। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हेलो हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। हाय, ये लो तुम्हारी चीजें। वही अल्लाह वाली वाली। डॉक्टर साहब, हां ये क्या, शाम को बिस्किट? यार क्या करूं यार, ड्रिंक बनाओ, मैं भी आता हूं। तो जल्दी आना, जल्दी चलो। क्या मैं भी अभी आई। क्यों, क्या है ना हमारा कुकर ना सीटी ही नहीं बजाता। तो नो प्रॉब्लम, मैं कुकर के सामने खड़ा रहकर सीटी बजा देता हूँ। ओके, दोनों तरफ से बैठ गया यार। अब देखो कैसी है। वाओ, एक्सेलेंट, रियली एक्सेलेंट। शिवानी, मैं एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। पक्का? पक्का। Your taste is great, just great. अब चाहे वो कपड़ा हो या तुम्हारा पति, you are excellent. और एक बात कहूँ? देखो तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानोगी ना? कसम? कसम से? तुम्हें कुछ बात है। क्या? पता नहीं क्या, मगर कुछ तो बात है। तुम्हें जितनी भी बार देखता हूँ, प्यार दुगना ही होता चला जाता है। बस? आज मैंने कितने बजे घर आने का वादा किया था? 12। अब कितने बजे हैं? 7। तो मैं कितने घंटे जल्दी आया हूँ? हिसाब किताब मत लगाओ, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अरे पिंकी, अरे ये कब आ गई? तुम्हें तो याद भी नहीं था कि आज आने वाली है। अरे लेकिन तुम्हें तो मालूम था। मेरी गाड़ी 3 घंटे देगी, वो तो भाभी थी जो मेरा इंतजार कर रही। अरे तभी मैं फोन कर रहा था घर पे, रिंग बजे थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। मैं तब भी समझ गया था कि गाड़ी लेट है। छोड़ना भैया, आप तो घर का याद नहीं रहता, फोन तो दूर की बात है। आप लोगों ने खाना खा लिया? हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, मैं सब कुछ बना चुकी, मैं फ्रिज में नहीं रखने वाली। अरे भाभी, यू आर टू गुड, वेल डन। देखा आपने भैया का हाल, कद्दू के हिसाब से लग रहा है सुखी। और फिर सर ने मुझे बुलाया ब्लैकबोर्ड पर, कहा कि महेंद्र प्रॉब्लम समझ गई। मैंने कहा सर सब प्रॉब्लम समझ गई। बोले आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ सर एकदम श्योर, एकदम श्योर। झूठी शान ना, ये जो मुझे देख रही थी। और मैं भी तो तुम्हें देख रही थी। अरे जान, उस वक्त मैं आपको थोड़ी देखता था। हाँ बहरहाल सर, मैं ब्लैकबोर्ड पर पहुंचा, सर ने मेरे हाथ में चौक दी, चौक
ब्लैकबोर्ड पीछे, दिमाग खाली और मुंह नीचे। अब तो भैया मर गए। दो मिनट तक सर मुझे देखता रहा, मैं सर को देखता रहा और फिर सर ने मुझे चाटा मार दिया और मेरी हंसी छूट गई थी। मेरी हंसी मैं रोक ही नहीं पाई। शिवानी मुझे वो छापड़ मारने का दुख नहीं हुआ, मुझे दुख इसलिए हुआ कि उसने मुझे इसके सामने मारा यार। बस वो दिन और आज का दिन उसी क्लास में कभी गया ही नहीं। पर तुम पास कैसे हुए भाई? पास कैसे हुआ? मेरी जान में पास करवाया यार। वो कैसे? मैं सिर्फ एग्जाम पे अपना नाम लिखता था, बाकी पेपर ये भरती थी। और मुझे अपना पेपर लिखने को टाइम नहीं मिला, मुझे 42% मिला और इसे 98। उसी के बाद तो हमने आपको देखना शुरू किया। आपसे शादी कर ली? और एग्जाम्स कैसे हुए? बहुत अच्छे। 50%? अरे भैया 80% वालों को तो मैं फेल में गिनती हूँ। ओहो, एक तुम लोगों का बोलना बंद करो और खाना खा लो। ये क्या है? वेजिटेबल पुलाव। ओह, तुम तो जानती हो मैं ये नहीं खाता। ये तो मैंने पिंगी के लिए बनाया है, तुम खा लो ना रोटी और आचार जो माँ ने भेजा है। वैसे माँ को यहाँ आना चाहिए था। तो 20 दिन बाद हम लोग जा रहे हैं ना, वापस आते समय उनको लेके आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब खाएंगे क्या? आज हम आपकी भूख को आजमाएंगे। अरे hey guys, good night. Good night. Bye. Shivani, 9:30. Okay. Good night. Good night. Hey doctor. Yeah. Drive carefully. Don't worry. Yeah. Love you. Oh. रामगढ़ के पासियों को रामनाथ पांडे का प्यार भरा सलाम। डॉक्टर बिजली भाई, हेलो। तू यहाँ क्यों आया? डॉक्टर जामन सिंह, वेर हैव यू बीन? तू क्या करके आ रहे? डॉक्टर बोबली भाई, स्वयं डॉक्टर बोबली भाई, आप कब आए? अच्छा क्यों? एनीवे, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। क्यों? तू यहाँ क्या करने आया है? एक मिनट दीदी, मैं जब से आया हूँ तब से एक ही रट लगा रखी है तुमने। क्यों आया है, क्या करने आया है, क्या करने वाला है? जब दो इंसान बात कर रहे हो आप प्लीज बीच में टोकरा मत कीजिए। तुम जानती हो मैं जब भी माँ से झगड़ा करता हूँ मैं यहाँ रहने के लिए आ जाता हूँ। ये देखो फिर भी एक ही रट लगा रखी है कि यहाँ क्यों आया है, क्या करने आया है, वगैरह वगैरह। माँ को फोन करके आ। क्यों करूँ, उसको आदत पड़ गई है। छोड़ो, मैं बड़ा हो गया हूँ, पिंकी भी बड़ी होगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती, और अगर सोचेगी ना तो मैं उसकी जान निकाल दूंगी। पिंकी, ये तूने खाना खाया? खाना खाया? खाया। हाँ? मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं खाना खाता हूँ उसके बाद माँ से झगड़ा करता हूँ। क्यों क्यों? बस यूं ही मैं सोच रहा था कुछ चाइनीज वाइनीज बाहर। चाइनीज है, थोड़ी भूख है। सोच ले। सोचना क्या उसमें है ना, आई कैन फील इट। चलो यार बेबी डॉल, हमारा डिनर तो हो गया, तुम लोग बैठ के खाओ वेजिटेबल पुलाव। जब सुबह तुम्हारा पेट खराब होगा ना तो पता चलेगा। भैया मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी मैं भी चाइनीज खाऊंगी। अरे तो फिर मैं क्यों यहाँ अकेले खाऊं? मैं भी चलूंगी चाइनीज खाने। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम लोग खाओ ना वेजिटेबल पुलाव। अब जो भी होगा ना साथ साथ ही होगा। हाँ, चल 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 चल। नीलू, शिवानी की जिंदगी में एक सैलाब आने वाला है। मतलब? दो दिन पहले रोहित उससे मिला था, कल उसने मेरे ऑफिस फोन किया और शिवानी का नंबर मांगा, और आज वो उससे मिला था। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे शिवानी ने खुद बताया नीलू। तो क्या हो गया? वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे और फिर वो तो। नीलू, शिवानी ने बयान ऐसे किया कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे वो कोई आम बात कर रही हो। लेकिन नीलू, उसके आंखों की चमक उसके अंदर की खुशी को छुपा नहीं पाई ना। तुम देखना नीलू, यू जस्ट वॉच, ये सैलाब जब भी आएगा
उनकी खुशी की दीवारों को बहा कर ले जाएगा। So sad. So sad. बोलिए। एक मिनट दीदी, आपसे कोई मिलने आया है? कौन है? पता नहीं, अपना नाम मनोज बता रहा है। तो फिर मनोज ही होगा, तू खामखा शक करते रहता है। पूछ क्या काम है, किससे काम है। कोई मिस्टर रोहित हैं, उनके ऑफिस से आया है। भेज दो उन्हें। नमस्ते मैडम, मैं रोहित जी के ऑफिस से आया हूँ। हाँ हाँ, वो पार्सल लाती हूँ, एक मिनट। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठिए ना, चाय पीते हुए जाइए। जी वो नहीं नहीं, बैठिए। सैमसन, दो चाय लाना, मैं भी पीऊंगी। जी मैं आपके ऑफिस में भी गया था, पता चला आज आप आई नहीं है। हाँ, मैंने आज छुट्टी ली। कितने साल से हो रोहित के साथ? जी दो ढाई साल से। अब तो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा ना काम उनका? हाँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, 16-16 घंटे काम करते रहते। उनको याद दिलाना पड़ता है कि सर आपकी एक बीवी भी है, एक घर है, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है। गायत्री नाराज होती होंगी? नेवर, वो जानती है कि काम ही रोहित जी का नशा है, उनका सब कुछ है। पर सच कहूँ तो भाभी जी को नाराज होना, गुस्सा करना, ये सब आता ही नहीं। पर रोहित तो बड़े गुस्से वाले हैं ना। हाँ, उनके गुस्से का तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी हर बात हंसी मजाक में लेते हैं और कभी कभी छोटी बात पे भी नाराज हो जाते हैं। अब भी बहुत चाय पीते हैं रोहित? अब भी बहुत चाय पीते? पहले तो बहुत पीते थे, दिन में 30-40 कप पी जाते थे, लेकिन जब से एसिडिटी हुई है भाभी ने साफ कह दिया है कि दिन में 3 या 4 कप बस। मानते हैं वो? हाँ, भाभी जी से डरते भी तो है ना। मैं चलूं? रोहित जी को कुछ मैसेज देना है? नहीं थैंक यू, मैं चलता हूँ। शिवानी थी घर पे? हाँ, उन्होंने ही दिया ये पार्सल। ऑफिस नहीं गई वो आज? नहीं, शायद आज छुट्टी ली थी उन्होंने, ऐसा कह रही थी। अविनाश था घर पे? अविनाश? उनके पति? नहीं, दिखा तो नहीं कोई, बस एक नौकर था घर में। क्या नाम था उसका? सैमसन। हाँ, सैमसन। मैं चलूँ सर? घर कैसा है उसका? बहुत बढ़िया है सर। बड़ा है? बहुत बड़ा है और बिल्कुल साफ सुथरा है, हर चीज उनके घर में नजर आती थी। बहुत पैसे वाले लोग हैं वो मनोज। लग रहा था सर, उसकी शक्ल देख के ही लग रहा था कि वो बहुत सुखी है।
सर मैं चलूं? बैठो मनोज थोड़ी देर, चाय पियो। नहीं सर, उन्हीं के यहाँ से पी के आया हूँ। चाय बहुत अच्छी बनाती है शिवानी। आज तो उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन जरूर अच्छा ही बनाती होगी। सर आपने आज तक उनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मनोज, लेकिन वो आपके बहुत करीब लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, आपकी पसंद नापसंद, आपका गुस्सा करना, बहुत चाय पीना, भाभी के बारे में भी वो सब कुछ जानती है। सर आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? सर आप और शिवानी जी कभी? क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? वो इसलिए सर के मैं वहां एक घंटे के लिए बैठा था, जिसमें से 50 मिनट उन्होंने आपके बारे में बात की, आपके बारे में पूछा, और यहां मैं आधे घंटे से बैठा हूं और आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, उनका घर, उनका रहन सहन। सर आप दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते पूछते ये भूल गए कि आपने ये बताना शुरू कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते कितना है। पर मैंने जो पूछा वो सच था ना सर? चलते रहते कि चलना है मुसाफिर कासी, चलते रहते कि चलना है मुसाफिर कासी, सोचते रहते किस राह गुजर के हम, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर गए हम, हैं अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के।